बहुत सारे मित्र अक्सर पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड अ गुरु, और इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड अ गुरु, कैसे ढूंढें सही गुरु को। आई एम श्योर आप में से बहुत दोस्तों के भीतर ऐसे प्रश्न आते रहते होंगे, कैसे ढूंढें सही गुरु को। हाँ, इट्स लाइक सेइंग आई एम इन अ प्लेस कॉल्ड धर्मशाला और मेरे चारों तरफ जंगल है, पहाड़ हैं और मानसून अपनी अच्छी चरम चरम ऋतु पे है। सो इट्स लाइक सेइंग कि मैं वर्षा को कैसे ढूंढूं, कैसे ढूंढूं मैं वर्षा को। हाँ, बाहर तो बारिश हो रही है, मैं वर्षा को कैसे ढूंढूं। सो आई थिंक द फाइंडिंग ऑफ अ गुरु और द फिनोमिना टू कनेक्ट विद अ गुरु इज़ अ वेरी हार्ट बेस्ड प्रोसेस। तुम जिस दिन अपना हृदय खोल दोगे, तुम्हें उस दिन गुरु से कनेक्शन फील होने लगेगा। हाँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। द डे यू ओपन द डोर्स ऑफ योर हार्ट, दैट डे यू विल स्टार्ट टू फील अ डीपर कनेक्शन विद द गुरु। एंड एज आई सेड, हु इज़ अ गुरु, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की याद दिला दे। तो क्या हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं सिर्फ? एब्सोल्युटली नॉट। क्या क्या तुम्हें सत्य की याद नहीं दिला सकता? क्या एक पक्षी को उड़ते हुए देख के तुम्हें उस सत्य की याद नहीं आ सकती? आ सकती है। क्या किसी, यू नो, आई एम अ ट्री लवर, मुझे बड़े दरख्त देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं अक्सर। और हर एनॉर्मस दरख्त को देख के मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीइंग वहाँ बैठ के मुझसे बात कर रही है। हम अक्सर ऑरोविल जाते हैं, तो बहुत एंशियंट बरगद के पेड़ हैं वहाँ पे, मतलब 200, 300, 400 मीटर तक उनकी जड़ें ऊपर से गिर रही हैं, ह्यूज ट्रीज। और उनको देखकर अक्सर ऐसे मुझे फील होता है कि कोई बीइंग वहाँ से बात कर रही है। इज़ दैट नॉट अ गुरु? यस, दैट टू। बहुत सुंदर गज़ल गाई जगजीत सिंह साहब ने, एक गज़लों का थोड़ा शौक रखता हूँ, तो उसकी एक लाइन जो मुझे ऐसे बहुत प्रिय है, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। गज़ल शायर ने लिखा है कि जिस दिन तुम्हारे भीतर सर झुकाने की कला आ गई, उस दिन पत्थर भी देवता बन जाएगा। और हमने इंडिया के कल्चर में, इंडिया के ट्रेडिशन में ऐसा किया, हमने डेवलप की सर झुकाने की कला टू अ ट्री, टू अ पीपल ट्री, टू अ नीम ट्री, टू अ बरगद ट्री, और ये हमारे लिए गुरु हो गए। हमने डेवलप की कैपेसिटी सर झुकाने की टू अ रिवर, और गंगा हमारी माँ हो गई। हमने डेवलप की कैपेसिटी एक पत्थर के आगे सर झुकाने की, और ये पत्थर शिव का रूप हो गए। रामकृष्ण परमहंस ने डेवलप की ये कैपेसिटी सर झुकाने की एक मूर्ति के आगे, एक फॉर्म के आगे, फॉर्म ऑफ काली, और काली गुरु हो गई, जिंदा हो गई काली। रामकृष्ण के अनुभव में बात किया करते थे, खाना खाया करते थे साथ में। इट वॉज अ लिविंग फिनोमिना फॉर हिम, नॉट फॉर यू एंड मी। सो सर झुकाओगे तो पत्थर देवता तो हो जाएगा। सो गुरु को मिलने की, पाने की और रिलेट करने की कला इज़ अ वेरी हार्ट बेस्ड, भाव बेस्ड कला। जिस दिन हृदय के किवाड़ खुलेंगे, उस दिन गुरु से कनेक्ट हो जाएगा। और जब तक वो नहीं खुलेंगे, साक्षात शिव भी आपके आगे खड़े हों, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। या ऐसा माने कि फिर भी आप सड़क पर चलते हुए उसी कृष्ण को ढूंढते रहोगे जो बांसुरी पकड़ के और मोर पंख लगा के घूम रहे होंगे। बट युग तो बदल गया ना, आज तो कृष्ण किसी और फॉर्म में दिखेंगे आपको, या आज बुद्ध किसी और फॉर्म में दिखेंगे। वो पुरानी फॉर्म में जो जटाएं उनके सिर पे थीं और मरून कलर का कपड़ा पहन के घूम रहे थे, वो एक उस फॉर्म में शायद नहीं दिखेंगे आज वो आपको। सो हाउ डू वी रिलेट, हाउ डू वी रिलेट विद द गुरु? एज आई सेड, ये एक ऐसा रिश्ता है जो सिर्फ हृदय से संभव है, जिसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है। हाँ, रोकेगा ज़रूर मस्तिष्क आपको कनेक्ट करने में, दैट्स फॉर श्योर। यू नो, आई रिमेंबर फ्यू ईयर्स अगो, ब्यूटिफुल दो घटनाएँ, रियल घटनाएँ, हाँ, जो जो मेरे साथ खुद हुई। एक मित्र जो शुरू शुरू में जर्नी में साथ में थे, ना ऐसा मानो वही जो बुद्ध की कहानी, कि वो पांच लोग जो बुद्ध के साथ जर्नी में थे, ऐसे मेरे एक मित्र साथ में जर्नी में थे।
बट सडनली एक समय आके उनको कुछ लगा और उन्होंने कहा कि आपका सत्य मुझे दिखता है, आपकी गहराई मुझे दिखती है, आपका अलौकिक चेहरा मुझे दिखता है, मगर माई माइंड प्लेज ट्रिक्स विद मी। और शायद ये माइंड की ट्रिक्स तब बंद होंगी जब मैं आपके आसपास हजारों व्यक्तियों का समूह देखूंगा, तब ये माइंड की ट्रिक बंद होगी, तब मैं आपसे कनेक्ट बेहतर कर पाऊंगा। रियल घटना। तो ये मित्र बोल रहे हैं, जब भीड़ देखूंगा और भीड़ भीड़ को आपका अनुसरण करते हुए देखूंगा तो मेरे अंदर विश्वास ज़्यादा जागेगा। तो मैंने उनको बोला, फिर विश्वास की बात नहीं है, फिर विश्वास की बात नहीं है, फिर सिर्फ इतनी बात है दैट यू आर अ पर्सन ऑफ द क्राउड, वट एवर क्राउड डज यू फील दैट इज़ राइट। फिर हम बहुत आगे साथ चल नहीं पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द माइंड एंटर्स एंड डज नॉट अलाउ द हार्ट रिलेटिंग टू गेट डेवलप। वॉच दैट आउट। दूसरा किस्सा बताता हूँ आपको पर्सनली। ऐसे किस्से अक्सर खूबसूरत घटनाएं घटती रहती हैं। एक मित्र मिले, खूबसूरत साधक, बट उम्र में बहुत बड़े मुझसे, ऑलमोस्ट डबल माई एज, मेरे पिता की उम्र से भी थोड़े बड़े। और मुझसे बोले यही बात कि आप में सत्य मुझे बहुत गहरा दिखता है, आपकी आंखों में बहुत करुणा दिखती है, मन होता है, हाँ ये आई एम कोटिंग हिम, मन होता है कि आपके पाँव छू लूँ, बट फिर माइंड बोलता है कि आप तो बहुत छोटे हो अभी उम्र में। इज दिस अबाउट, इन बोथ दीज एग्जाम्पल, इज दिस अबाउट दिस पर्सन हेयर? नो, एब्सोल्यूटली नॉट। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज नॉट अबाउट दिस पर्सन, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अबाउट दीज टू फ्रेंड्स, जस्ट टू शो कि जब जब तुम्हारे हृदय में भाव आने का भाव आने को होगा, योर माइंड विल स्टार्ट टू प्ले ट्रिक्स एंड देन यू विल आस्क द क्वेश्चन हाउ टू फाइंड अ गुरु, एज इफ हाउ टू फाइंड रेन इन अ मॉनसून। बस आप छाता हटा दो मॉनसून में और रेन तो चारों तरफ बरस रही है। सो जब वेन यू अलाउ योर हार्ट टू ओपन अप, वेन यू अलाउ दीज डीपर भाव ऑफ रिलेटिंग टू डेवलप इन योर बींग, अ सडन शिफ्ट हैपन्स इन योर पर्सनैलिटी, अ सडन शिफ्ट हैपन्स इन योर बींग, अ सडन डोर ओपन्स अप। और ये याद रखिए, गुरु जो हम बात करें, इट्स जस्ट अ डोर, इट्स जस्ट अ डोर फॉर दैट रिलेटिंग टू हैपन। ये सिर्फ एक दरवाज़ा है उस रिश्ते को कायम करने का। जैसे घर के बाहर और घर के भीतर में आने में दरवाज़ा है, दैट डोर इज नथिंग बट अ रिलेशन और अ ब्रिज। वो किवाड़ बाहर और भीतर का एक ब्रिज है दोस्तों, घर के बाहर और घर के भीतर में एक सेतु है दरवाज़ा। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड एंड फॉर द वर्ल्ड इनसाइड, देर इज अ डोर, देर इज अ व्हील, देर इज अ ब्रिज, एंड दैट ब्रिज वी कॉल द ब्रिज ऑफ अ गुरु। दैट्स इट। एज आई सेड, गुरु कोई सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देगा, गुरु तुम्हें एनलाइटनमेंट नहीं देगा, गुरु तुम्हें परमात्मा नहीं मिलवा देगा, गुरु इज जस्ट अ ब्रिज। वो तुम्हें याद दिला सकता है कि बाहर से भीतर आना संभव है, एंड देर इज अ ब्रिज, देर इज अ सेतु विच आई एम एग्जिस्टिंग एज दैट। एंड वेन यू स्टार्ट टू वॉक ऑन दैट ब्रिज, अ सडन शिफ्ट हैपन्स, अ सडन चेंज इन सीनरी हैपन्स, सडनली यू फाइंड योर सेल्फ इन अ न्यू रियाम ऑफ रियालिटी। सो इज दिस रोल सिग्निफिकेंट ऑफ अ गुरु? Absolutely. But is this all? Absolutely not. क्योंकि प्रेम की कला एक बार आ गई, जुड़ने की कला एक बार आ गई, झुकने की कला एक बार आ गई, मिलने की कला एक बार आ गई, अपना बनाने की कला एक बार आ गई, तो फिर ये पूरा जगत अपना है। दत्तात्रेय अवतार हुए विष्णु के,
यू नो दत्तात्रेय के कितने गुरु थे? 24 गुरुज ऑफ दत्तात्रेय. उन्होंने बी को भी, मधुमक्खी को भी अपना गुरु बयान किया. क्यों गुरु माना मधुमक्खी को? उन्होंने देखा कि मधुमक्खी सारा समय बस अपना नेक्टर इकट्ठा करती रहती है. इसमें होर्डिंग की मेंटालिटी है. एंड बी अवेयर ऑफ द होर्डिंग मेंटालिटी, बिकॉज होर्डिंग से अटैचमेंट डेवलप होगी. ये मधुमक्खी से सीखा उन्होंने पाठ. स्पाइडर से उन्होंने सीखा. हाँ, जो मुझे बड़ा खूबसूरत पाठ लगा जो उन्होंने स्पाइडर से सीखा, स्पाइडर से उन्होंने सीखा कि कैसे एनॉर्मस कैपेसिटी है स्पाइडर में, एक वेब बुनने की, एक जाल बुनने की. और कैसे स्पाइडर में यह कैपेसिटी भी है कि वो उस जाल को वापस फोल्ड कर लेता अपने भीतर, या वो उस जाल से एग्जिट कर जाता है. अनलाइक ह्यूमन बींग्स, वी क्रिएट अ वेब अराउंड आवर सेल्फ ऑफ फैमिली, ऑफ रिलेशन बेस्ड ऑन डिजायर्स, नीड्स एंड अटैचमेंट्स एज अ वेब ऑफ अ स्पाइडर, बट देन वी गेट एंटैंगल्ड इन दैट वेब. तो दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने स्पाइडर से सीखा कि कैसे तुम संसार रूपी वेब को फॉर्म करो, बट कैसे तुम इस वेब को या तो जब चाहे अपने भीतर फोल्ड कर लो, या जब चाहे एग्जिट कर लो इस वेब से. सो दैट यू हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट द वेब आउटसाइड एंड यू हैव द कैपेसिटी टू नॉट बी एंटैंगल इन दैट वेब. सो दत्तात्रेय कहते हैं कि ये मैंने गुण स्पाइडर से सीखा. कहते हैं मौत से सीखा मैंने, मौत विच अट्रैक्ट्स टू द लाइट और द फायर. कह रहे मौत से मैंने दो दो पार्ट सीखे. एक पार्ट कि रोशनी में, फायर में, लाइट में कितनी कैपेसिटी है टू अट्रैक्ट. सो व्हाट इफ यू बिकम द बीइंग ऑफ लाइट, तुम्हारे में कितनी कैपेसिटी होगी टू अट्रैक्ट पीपल हु वांट दैट लाइट. तो कहते हैं ये पहला पार्ट सीखा मैंने मौत से. दूसरा पार्ट मैंने मौत से सीखा. हाँ, अब एकदम ऑपोजिट बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी डिज़ायर और अटैचमेंट अनकंट्रोल्ड है तो वो तुम्हें जला के खाक कर देंगे, जस्ट लाइक अ मौत. जो उस लाइट, उस मोमबत्ती पर अट्रैक्ट होता है, उस दिए पर अट्रैक्ट होता है और जल के राख हो जाता है वहीं पर. अटैचमेंट, दी विषयों की अटैचमेंट, विषयों की पकड़, डिज़ायर की पकड़ मौत पे इतनी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता. मुझे लगता है मौत भीतर से जानता होगा, मौत भीतर से जानता होगा कि मौत बुला रही है. या सो इंग्लिश वाला मौत भीतर से जानता है कि हिंदी वाली मौत बुला रही है उसको, उस कैंडल में. बट द डिज़ायर अनकंट्रोल्ड एंड द अटैचमेंट अनकंट्रोल्ड इज सो एनॉर्मस दैट ही जस्ट गोज एंड बर्न्स हिमसेल्फ. तो इस तरह दत्तात्रेय ने बोल 24 गुरुओं का वर्णन किया, दैट हाउ आई हैव लर्न फ्रॉम ईच. नाउ हियर इज अ कैच फ्रेंड्स, हियर इज अ ब्यूटिफुल कैच. व्हेन इट कम्स टू अस, वी ऑल्सो स्टार्ट टू फील दैट येस आई लर्न फ्रॉम ट्रीज, येस आई लर्न फ्रॉम बर्ड्स, येस आई लर्न फ्रॉम रेन एंड अर्थ एंड वाटर एंड एवरीथिंग. बट मेरे देखे मेनी अ टाइम्स व्हेन वी से दैट इनऑथेंटिकली, इट बिकम्स एन एस्केप मैकेनिज्म फॉर अस. Because strongest influence on this prakriti is, you know what? A human being. हम पुराने गुरु के आगे तो उस मस्तक झुका सकते हैं जो किसी पुस्तक में बंद है. जैसे सिख ट्रेडिशन में हमने तो उस पुस्तक को ही, उस ग्रंथ को ही गुरु माना. वेरी ब्यूटिफुल. तो हम नतमस्तक हो पाते हैं ग्रंथ के सामने, बट अगर जिंदा आदमी अगर बैठा हो अभी हमारे सामने, तो हम उसके आगे नतमस्तक नहीं हो पाएंगे. द ईगो विल कॉन्ट्रैक्ट इट सेल्फ, द ईगो, द माइंड विल नॉट अलाउ विद इट्स इंटरेस्टिंग लॉजिक्स टू रिलेट विद अस विद अ लिविंग बींग. एंड इन माई एक्सपीरियंस अ लिविंग बींग इज ऑलवेज मच मोर पावरफुल देन अ बींग ऑन अ फोटोग्राफ और देन अ स्टैच्यू और देन अ फॉर्म, a nirjeev form, or even to the forces of nature. To me, all that is secondary. Does that work? Absolutely. Absolutely. Does a moth work as a guru? Absolutely. Does a river work as a guru? Absolutely.
But comparing to a human being whom you can find and build and have a reverence for as a guru, this being, the influence of this being on your sadhana will be much more stronger. Yeah? Sorry. Will be any day much more stronger. Yeah? So do not allow the traps of the mind to play. Yeah? And as I said, it is always a heart-based relating with a guru. There is just no other way you can relate with the guru. You know, Hindustan ke culture mein badi khoobsurat cheeze hain. I am sure aap sab logon ne Hanuman ka chitra dekha hoga. Yeah? Jahan Hanuman chhati ko cheerte hain aur usme murat hai Shri Ram ki aur Sita ki. Mythology, of course mythology. We do not know if this is a truth or no. Maybe it is, maybe it is not. But the point I am trying to make, क्यों डिपिक्ट किया कि हनुमान के हृदय में राम और सीता का वास है? क्यों हनुमान ने अपना माथा फाड़ के नहीं दिखाया कि मेरे मस्तिष्क में मेरे गुरु का वास है? क्यों उन्होंने हार्ट फाड़ के दिखाया कि हार्ट में मेरे गुरु का वास है? देयर इज अ मैसेज, देयर इज अ सिग्नल, देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ दिस. एंड द सिग्निफिकेंस इज द हार्ट इज द सीट ऑफ द ग्रेटर शिफ्ट. The heart is the seat of profound transformation. Mind is not the seat. See, you in your body, aapke shareer mein alag alag seats hain. Mind is a seat for reasoning. Beautiful faculty, zaruri hai faculty hai. But heart is the seat for reverence. Isliye Hanuman hriday mein dikhate hain apne guru ka vaas. Contemplate on this. Contemplate on this, the importance of heart as a center or heart as a seed to open the dimensions of inner transformation. Contemplate on that. एक इसी के रहते एक एक secret reveal करता हूँ आप लोगों से. स्वयं के अनुभव का सीक्रेट. एंड द सीक्रेट इज, आई डोंट नो इफ आई शुड शेयर दैट, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट दैट. द सीक्रेट इज, आप गुरु के साथ, स्पेशली इफ द गुरु इज इन द फिजिकल ह्यूमन फॉर्म, आप गुरु के साथ, आपका, आपके गुरु के साथ आपका सिर्फ रेवरेंस और भाव बेस्ड रिलेशन हो सकता है. There is no other relationship possible with the Guru. You cannot relate with the Guru with any relationship of this world. In fact, the Guru Tattva that we are talking about is already existing in a different realm, different space of being. For this Guru to be able to connect with you at your level, at your platform, it's like he or she is just doing it so that you feel that bridge. But actually he is existing at a different realm of reality. So any worldly relationship is just not possible. Yeah, I don't know if you are able to decipher it, what I'm trying to say, but I thought I'll just share this one secretive sutra, so to say. So the relationship with Guru transcend all the dimensions of time and space. इसीलिए ये भी संभव है that you can be deeply connected with a being as a guru which has happened thousands of years ago. You can right now connect, relate with Buddha as a guru which happened 2600 years ago, because the dimension of guru transcend times and space. ये संभव है. Absolutely, this is possible. Because as I said, it is the heart-based reverence which has the capacity to transcend the limitations of physicality. Let me repeat. Heart-based reverence has the capacity
to transcend the limitations of physicality. And that, my friends, is the power of relating. That is the power of relating. That with that heart-based, reverent-based, bhav-based relating, we can transcend the limitations of this physical reality, so to say.